وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बारगाहे मुस्तफा में मोहब्बतों के साथ झूमकर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माजिदिल जूद वल करम वालिही इकराम उम्मतिल करीम मुबारक वसल्लम अलैका सलातु व तस्लीम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे इंसानों की पहचान है, तमामी अफराद फर्दे फरीद तक नबी की विलादत का जश्न मना रहे हैं, जुलूसे मोहम्मदी में शामिल होकर के पूरी कायनात को ये पैगाम दिया जा रहा है, वो नबी ये बरहक जो मुल्क अरब की सरजमीन पर जब तशरीफ ना लाए थे, वहाँ के हालात कितने परागंदा थे, इंसानियत तब तोड़ चुकी थी, छोटी छोटी सी बातों पर तलवारों को खून का नजराना पेश किया जाता था, बेवाओं के सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे थे, बच्चियों को जिंदा तरखोल किया जा रहा था, सिस्कियां बदी हुई है, एक आहो बोला की तमाम तर रानाइयां अगड़ाइयां ले रही है, परवरदिगारे आलम किसी एक ऐसे मसीहा को भेज दे जिसकी मसीहाई के चादर नूर में हम पना ले सके, किसी एक ऐसे पैगंबर आजम को भेज दे जिसके नबूवत और रिसालत के दायरे में रह करके हमें जिंदगी मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का की सरजमीन पर हजरत आमिना के घर में रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पे सआदत होती है, बेवाओं के चेहरे खिल उठते हैं, बच्चियां खुशियों में डूब रही है, खुशियों में मचल रही है, हमें जिंदगी देने वाला रसूल आजम आ चुका है।